वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप संगतां दे नाल उस मुसलमान वीर की गल करेंगे जिसने भाई अवतार सिंह दुर्ग दे नाल मिलके नकली निरंकारी गुरबचने ते हमला कीता सी। जिस मुसलमान वीर ने सिख हकां खातर आपा मिटाउण दा संकल्प धार लिया सी ते इन्हां दा नाम अजीम मुहम्मद सी। ते इस घटना बारे बहुत ही घट सिख संगतां जानदियां ने। जिस समय नकली निरंकारी गुरबचन सिंह नूं भारतीय न्याय प्रणाली ने बाइज्जत बरी कर दिता, जिसने कि 13 सिंघां नूं शहीद कीता सी ते सिख गुरु साहिबाना ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रति कबोल बोले सन, तां संत बाबा जरनैल सिंह जी ने सिख संगतां दे विच ऐलान कर दिता कि खालसा जी हुण सानूं अपना हक ते शहीदां दा डुल्लिया होया खून दा बदला आप लैणा पवेगा। ते उधर बाइज्जत कोर्ट विचों बरी होण दे कारण नरकधारी गुरबचने ने इस खुशी दे विच भारत भर के बड़े बड़े शहरां विच जित दे जशन मनाउण लई दौरा शुरू कर दिता। उत्तर प्रदेश तो शुरू हो के इसने बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, करनाटका अते आंध्रा होंदे हुए मद्रास तक पहुँचना सी। नागपुर तो चल के गुरबचन सिंह ने दुर्ग विखे अपने एक जलसे नूं संबोधन करना सी ते अगले दिन इसने भलाई नगर विखे निरंकारी भवन की नींह रखनी सी। इसलिए दुर्ग विच ही ये अपने एक चेले भजन सिंह दे घर रात रुक गया ते दुर्ग दे विच काफ़ी अणखीले सिंह बसदे सन ते कुदरती ही इस दे चेले भजन सिंह दे घर दे सामने गुरु के सिंह सरदार सुच्चा सिंह दा घर सी, जो बहुत ही असर रसूख वाले गुरसिख सन। तो उन्हां दा उत्थे एक अपना ट्रांसपोर्ट भी सी। तो जब सुच्चा सिंह नूं इस गल दा पता लगता है तो उन्होंने इस बारे अपने भणोईए सरदार अवतार सिंह नूं दसना कीता। तो अवतार सिंह ने नकली निरंकारियां दे अगले दिन होण वाले प्रोग्रामां दा पता कीता। तो आप जीआं दी जानकारी लई सरदार सुच्चा सिंह पिंड जल्लोवाल जल्लूवाल अमृतसर दे वसनीक सन ते भाई अवतार सिंह महते दे सन, जिस करके दोवें सिंह दमदमी टकसाल दे नेड़े सन ते संत बाबा जरनैल सिंह जी दी शख्सियत तों भी बहुत प्रभावित सन। ते जिवें पहलां दस्सिया गया है कि अगले दिन इसने भलाई नगर दे विच अपना नवां निरंकारी भवन स्थापित करना सी ते उस दे विरोध वजों एक पासे सिख संगतां शांतमई रोस प्रदर्शन करन वास्ते रात वेले तैयारियां कर रही सन ते दूजे पासे सरदार अवतार सिंह ने मन दे विच पक्की धार लई कि इस पंथ दोखी नूं सिखां दे रास्ते विचों सदा लई हटा देना चाहीदा है। इस तरह भाई अवतार सिंह ने भी रात वेले सारी तैयारी खिंच लई ते अपने एक दोस्त अजीम मुहम्मद नूं भी अपने नाल इस कार्ज लई तैयार कर लिया। तो उस मुसलमान वीर ने भी मरदे दम तक साथ निभाने सिंह दे नाल वादा कर लिया। तो उधर जब 19 मार्च 1980 नूं सवेरे गुरबचने ने अपने चहेते भजन सिंह निरंकारी दे घरों चाला पाया तो इसका काफिला जब कॉलेज चौंक के नेड़े पहुँचया तो अवतार सिंह ने पहला ही अपना ट्रक एक पासे नूं खड़ा किया होया सी, जिस दा ड्राइवर अजीम मुहम्मद सी ते उस समय उसकी उम्र केवल 21-22 साल दी ही सी। ते उस दे नाल अवतार सिंह अपनी लाइसेंसी 315 गन नूं नाल लैके बैठा होया सी। ते ओह मुसलमान भाई जे चाहुंदा तां अवतार सिंह दा साथ छड सकदा सी, क्योंकि ये भाई अवतार सिंह दा ड्राइवर सी। ते अजीम मुहम्मद कह सकदा सी कि गड्डी तां मैं होर किसी ट्रांसपोर्ट दे विच जाके भी चला सकदा हाँ, मैं तेरे नाल जेल दे विच क्यों सड़ा जां तुहाडी सिखां दी लड़ाई पिछे मैं क्यों मरां। पर उसने इन्हां सब गल्लां तो उपर उठ के अवतार सिंह दा साथ दिता ते भाई वालता दा संदेश दिता। खैर इस तों बाद जिवें ही इन्हां दोवां साथियां ने GT रोड ते नकली बाबे दा काफिला आउंदा होया वेख्या तां बनी योजना मुताबिक पूरी ताकत स्पीड दे नाल ट्रक नूं निरंकारी दी गड्डी दे विच मार दिता गया, जिस नाल उन्हां दी गड्डी बुरी तरह चकना चूर हो गई। पर उस गए गड्डी विच गुरबचन सिंह आप नहीं सी, क्योंकि घरों चलण समय जिस गड्डी विच आप बैठा सी उस नूं रस्ते विच जाके उस गुरबचने ने बदल लिया सी ते वह आप दूसरी गड्डी दे विच बैठ गया सी। इस करके उस समय मौत दे साए हेठों वह बच निकलिया ते सामने ये सब वेख के गड्डी पिछे वल मोड़ के भजा के बच निकलिया सी। ते फिर घबराए हुए नकली रब ने SP दी रिहायश विच अपना टिकाणा कर लिया। ते उधर भाई अवतार सिंह ने टक्कर मारन तो बाद वेख्या
कि कार विचले व्यक्ति सिर्फ जख्मी होए ने तां तुरंत ही उन्हां ने ट्रक विचों गन कढ के गड्डी उपर फायरिंग कर दिती। अवतार सिंह ने सोचिया कि शायद इस गड्डी विच बाबे दी घरवाली होवेगी, पर बाद विच पता लगा कि वह इस दे समागमां अते आम मनोरंजन लई कवितावां गाउण वाली कवित्री सुदेश नीलम सी जो मौके ते मारी गई। तो अवतार सिंह ते अजीम मुहम्मद नूं मौके ते ही गिरफ्तार कर लिया गया सी। ते दुर्ग ते भलाई नगर दे होर 15 सिंघां नूं भी बिना किसी दोष तो गिरफ्तार कर लिया गया सी। ते इस तो बाद सारे सिंघां उपर केस चले ते संत बाबा जरनैल सिंह जी ने अपने वलों एक वकील की ड्यूटी लगाई जिन्हां दा नाम सरदार पूरन सिंह हुंदल सी। ते सारा केस सिंघां दे पक्ष विच ही जा रहा सी क्योंकि निरंकारियां नूं कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं मिल रहे सी। ते इस कारण अजीम मुहम्मद नूं वादा मुआफ गवाह बनाउण दी कोशिश कीती गई ते कई लखां रुपयां दे लालच दिते गए, पर ओह बंदा मर्द निकलिया। उसने पैसा शोहरत दे लत मारदिआं होइआं सिंघां दा साथ दित्ता। खैर अजीम मुहम्मद ने सब लालचां नूं ठुकरा के वादा मुआफ गवाह बनण तों इनकार कर दिता। अखीर 27 दिसंबर 1982 नूं बाकी सारे बरी कर दिते, पर भाई अवतार सिंह नूं उम्र कैद हो गई सी। पर दोबारा अपील करन ते 9 जून 1983 नूं उन्हां दी जमानत हो गई। ते अजीम मुहम्मद ने सिर्फ सिख हक्कां खातर 19 मार्च 1980 तों लै के 27 दिसंबर 1982 तक जेल यात्रा कीती सी, पर इन्हां दा अज कोई सिख नाम नहीं लैंदा। जेल दे विच तां 2-3 दिन कट्टणे भी मुश्किल हुंदे ने, पर इन्हां ने 2 साल जेल दे विच कट्टे सन ते किसी भी लालच दे विच नहीं फसे। ते भाई अवतार सिंह जी दी जमानत तों बाद भाई अवतार सिंह समेत दुर्ग ते होर काफ़ी सिंह ते अजीम मुहम्मद संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं खास तौर पर श्री अमृतसर साहिब मिलन गए। तो संतां ने विशेष तौर पर अजीम मुहम्मद का सन्मान किया। तो संतां ने वचन किया, शाबाश ने तुहाडे, तुसी भारी दौलत नूं ठुकरा के ईमान निभाउंदिआं वादा मुआफ गवाह बनण तों इनकार कर दिता सी। ते नाल ही बाकी सिंघां दा भी संतां ने भारी सन्मान किया। इतनियां बेनतियां प्रवान जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।